सरदार बलविंदर सिंह बुंडर जी। चेयरमैन सर, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन असी हर प्रॉब्लम पोलिटिकली देखन लग जाने। अफसोस है कि असी एक दूसरे ते ब्लेम कर दी बजाय, एक तो सब तो पहला पॉइंट है कि जे दिल्ली कल्ला पल्यूट नहीं, ये तो सारा हिंदुस्तान ही पल्यूट है। आज की पेपर की न्यूज़ देख लो कि हिंदुस्तान के 8 स्टेट्स जो है सब पोल्यूशन में आए हुए हैं। इसलिए जे देखा जो जरूरी है वो ये है कि इसका हल क्या है। ज़्यादा फिगर पेश करने की ता जरूरत है, अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। हम आंकड़े पेश कर रहे हैं, जे आंकड़ा जे कहता है, जे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या लोड़ है। जे हम सब देख रहे हैं कहीं सांस देश में आने की कोई जगह ही नहीं बची। पंजाब से लग जाओ, अमृतसर से बम्बे तक चले जाओ, कहीं आप सांस नहीं ले सकते। इसलिए पॉल्यूशन में तो कोई शक ही है नहीं कि पॉल्यूशन है नहीं इस देश में। स्टेप्स बहुत लिए हैं 5 साल में, इस गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे स्टेप लिए हैं और उसका प्रभाव भी है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना प्रभाव इससे नहीं पड़ सकता। सो इसलिए मैं 3-4 पॉइंट कहना चाहूँगा कि एक तो जो पोल्यूशन है जो कल्ला इस वेस्ट का नहीं, कि क्रॉप जो वेस्ट है उसका ही है, बीट या जो स्ट्रा है या पैडी स्ट्रा है उसका है। पोल्यूशन तो इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। पोल्यूशन जो व्हीकल इतना देश में हो रहा है, दिल्ली में 8-9 लाख से भी शायद ज़्यादा व्हीकल डेली है, और उसका कितना पोल्यूशन है। एक रिपोर्ट है बड़ी अच्छी संस्था की कि अगर ये जो पोल्यूशन जो गाड़ी का पोल्यूशन है उसका सही आंकड़ा ले लिए तो 20-30% बीट की जील्ड पे असर है। अगर किसान कहे हमारी जील्ड पे असर पे कि आप सारा जो बीकर रोको, इंडस्ट्री का वो रोको जो है डस्ट, तो आप क्या करेंगे। आप सब ब्लेम कर रहे हैं किसान को, किसान कल्ला इसका दोषी नहीं, किसान सब जानता है, वो भी इस बीमारी में जो है आप शामिल है। इसलिए पहले तो मैं किसान की बात करना चाहता हूँ कि इस बीमारी पर इतना जोर लग रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं। उसकी बजाय अगर हम किसान को अच्छी किस्म की मशीनरी सप्लाई करें, उन पॉइंट जाए कि मशीनरी किसको सप्लाई करें। अगर किसान लेगा तो 10-20 लाख कहाँ, एक एक किसान कितना पैसा लाएगा 15 दिन के लिए। सोसाइटीज को मशीनरी सप्लाई करें, एक गांव ले, गांव की सोसाइटी ले, उसको मशीनरी सप्लाई करें, और जो है सब्सिडी उसको मैक्सिमम दे, और सुपर सीडर दे, और सब मशीनरी फेल है। सेकंड, उसको जो कंबाइन चलती है, कंबाइन के साथ बेलर हो, उसके साथ है जे मस्ट हो, ये दोनों चीज़ें हो, ताकि जो जहाँ भी काम हो वहाँ मुकम्मल काम हो, ताकि उससे अगली प्रॉब्लम ना हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो इसकी बजाय, इससे भी इजी बात मैं बताता हूँ कि बजाय सब्सिडी या और कहीं उसके में गबन होता है, डायरेक्ट किसान को क्यों ना 200 पर क्विंटल दे दिया, 4000 पर एकड़ दे दिया जाए, ताकि किसान भी को अपने पैरों पर खड़ा होए, और उससे के साथ जो लेबर का प्रॉब्लम है वो भी हल हो, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी हल हो, और किसान को फायदा हो। इसलिए किसान को डायरेक्ट भी पेमेंट की जा सकती है, सेकंड हल। और थर्ड जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे जरूरी बात है, हम क्यों नहीं ध्यान देते नरेगा पे, इतना पैसा जा रहा है नरेगा को, क्यों नहीं फार्मर के साथ जोड़ते। नरेगा की स्कीम को लिंक करना चाहिए कि जब वो बीट या पैडी का सीजन आता है उसके साथ इसको जोड़िए। मैं एक स्किंट भी फालतू नहीं लूंगा, और कम की बात करूंगा, किसको ब्लेम नहीं करता, इसलिए एक स्किंट भी फालतू नहीं लूंगा। इसलिए किसानी के लिए तो ये 3-4 पॉइंट है, और इंडस्ट्री पे भी जोर देना चाहिए कि जो इंडस्ट्री का पोल्यूशन है उसको कैसे घटाया जाए। आपने जो स्टेप लिए वो ठीक है, उस स्टेप को कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन और स्टेप की जरूरत है। और ये तो आज हम सोच रहे हैं, अगर हम ऋषि मुनियों के लिए 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था कि पानी पवन गुरु पानी पिता माता तरत मात, 550 साल पहले हमें आज पता लग रहा है। इसलिए हमें इस पे जोर देना चाहिए कि जो पोल्यूशन को बजाय एक दूसरे के खिलाफ जाने के, हमें ये करना चाहिए कि पोल्यूशन कैसे रुकेगा।